बोलो। मेरा प्रश्न ये है, जैसे हनुमान चालीसा तो मैं डेली पढ़ती हूँ, बट मेरा ये प्रश्न है आपसे कि इसके पढ़ने का एक सही नियम क्या है। जैसे हम वर्किंग है तो कई बार हम जल्दी में होते हैं, सुबह तो हम जल्दी जल्दी जैसे रेडी हो रहे थे रास्ते भी पढ़ लेते जय हैं, हनुमान। तो इसका एक जो सही तरीका है वो क्या तरीका है? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। क्या नाम है आपका? भावना। भावना आगे अशर्मा। ठीक है बैठो। हनुमान चालीसा के पढ़ने के नियम पर हम सबको सावधान करेंगे, ये प्रश्न सबका है। हनुमान चालीसा पढ़ना अलग है, रटना अलग है, और आप जो कर रहे हैं वो रट रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, चले जा रहे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत बिजार पी 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 भूत बिजार ने कहने महाभी जब नाम सुनावे, ये है रटना। पढ़ना गोस्वामी जी ने लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध, ये नहीं लिखा कि जो यह रटे। पढ़े का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब पुस्तक हाथ में होनी चाहिए, आसन लगाओ, पुस्तक लो, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो जो आप कर रहे हैं सबसे अच्छा तो वो भी है। अगर बैठ के नहीं पढ़ पा रहे, टाइम कम है, तो क्या बोलूं आपको, जैसे पढ़ रहे वही अच्छा है। कम से कम पढ़ तो रहे हैं, पर पढ़ने की असली विधि यह है, पुस्तक हाथ में हो और उसको पढ़ो, भले ही कंठस्थ हो पर देख के पढ़ो। पूछो क्यों? गोस्वामी जी कह रहे हैं जो यह पढ़े रटे, नहीं कहा, वरना ऐसा भी लिख सकते जो यह रटे, और बाकी ज्यादातर लोग रट रहे हैं। यस नो, यस नो। तो इसका सही पढ़ने का उपाय है सुबह नहीं तो शाम। हनुमान चालीसा का कोई नियम नहीं है। आप वर्क करके अपनी जॉब करके नाइट में आते हो ना, रात को आते हो ना, रात को 12 बजे पढ़ो, कोई रोक नहीं, टाइम की कोई रोक नहीं, 2 बजे मौका मिले 2 बजे पढ़ो, लेकिन रटो नहीं, का करो तभी लाभ मिलेगा। दवाई अगर आपको शरीर में सूजन है, मेडिसिन खाओगे, परहेज करना पड़ेगा, चावल आम ये नहीं खाना पड़ेगा, वरना दवा असर, कितना भी दवा खाओ पर क्या असर करेगी अगर आम खाओगे तो? नहीं ना। उसी प्रकार हनुमान चालीसा कितना भी पढ़ो अगर नियम का फॉलो नहीं करोगे तो क्या सफलता मिलेगी? नहीं, कम मिलेगी। इसलिए आप पढ़ो नहीं, रटो नहीं, पढ़ो। ओके, आप करेंगे?